हाय गाइस, सबसे पहले प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको मेरे हॉल्स वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे. वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप वेलिंग गुड गाइस. आज का वीडियो होने वाला है एक्सपेंसिव हॉल. एज आई प्रॉमिस कि मैं दोनों तरह के हॉल्स वीडियो बनाऊंगी, महंगे एंड सस्ते मिक्स करके. बैक टू बैक तीन हॉल मैंने अफोर्डेबल हॉल कर लिया है. सो ये टाइम एक्सपेंसिव हॉल का. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडस ब्रांड की क्लोथिंग आइटम्स. मैं आज आपको गाउन एंड शरारा सेट और दिखाऊंगी, लाइक जो मुझे इंडस ब्रांड से अच्छी लगी है मैंने उन आइटम्स को पिक किया है इस हॉल में. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. अगर आपको मेरे हॉल्स वीडियो अच्छे लगते हैं तो कॉमेंट में जरूर से बताना की आज की हॉल में आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी. And now without a further ado, let's quickly jump into the video. My first item is this maxi dress hai ye, and this is blue yoke design maxi dress. So kuch is tarike se iski neckline hai, round neck ke saath hai, and yahan pe aap dekh sakte hai puri zari ki kaam bani hui hai kuch yahan tak neckline pe. एंड ये आती है प्लेन थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अटैच दुपट्टा दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से अटैच्ड है. सो एंड जो दुपट्टे का कपड़ा है वो कुछ इस तरीके से गोल्डन गोल्डन आपको शाइनिंग वाली लाइनिंग मिल रही है. कुछ इस तरीके से शिफॉन का ये दुपट्टा दिया हुआ है और नीचे पूरी गॉन ये प्लेन आती है कुछ इस तरीके से. तो फ्लेयर इसकी काफी अच्छी है, काफी ज्यादा फ्लेयर है. और बैक कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक हुक बटन दी हुई है एंड सेम बैक भी है इसकी. जैसी फ्रंट नेक लाइन है वैसी सेम बैक है. सो बैक पे दुपट्टे की डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, लाइक पीछे से लहंगा पे कैसे दुपट्टा लेते उस तरीके से है, जो कि मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ. फ्रंट पे जो दुपट्टा है ये यहाँ पे अटैच है और ये चीज को आप इस तरीके से लेकर यहाँ पे फ्रंट पे ऐसे लगा कर दुपट्टा इस तरीके से वेयर कर सकते हैं. कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी तो आपको लुक बुक में बहुत अच्छे से समझ आएगी. तो इसका मटेरियल सिल्क ब्लेंड है. ये आती है इनर लाइनिंग के साथ. सो सी थ्रू का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इनर लाइनिंग है. इसका मटेरियल सैंडटोन है. सो मटेरियल काफी अच्छी है, मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई. पहने भी कंफर्टेबल भी लगी, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है. लाइक हील्स के साथ मैंने इजिली इसे कैरी कर लिया. इस पे मेरा साइज स्मॉल है. गॉन को जो स्पेशल बनाती है वो इसके दुपट्टे का लुक है. लाइक जो दुपट्टा अटैच दिया हुआ है वो मुझे काफी पसंद आई एंड जो फ्रंट पे वर्क है वो भी काफी पसंद आई. पार्टीज के लिए बहुत परफेक्ट है. सो मैं इसे रेकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे पहनकर ये बहुत अच्छा लगा और कलर भी बहुत ही लाइट कलर है. समर्स के लिए परफेक्ट है, डे वेडिंग के लिए परफेक्ट है. टिपिकल लहंगा चोली या फ्रॉक सूट नहीं पहनना चाहते, थोड़ा वेस्टर्न लुक देना चाहते हैं पार्टीज में, तो उनके लिए परफेक्ट है. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. नेक्स्ट आइटम जो कि बहुत लोगों की विशलिस्ट में होगी एंड ये शरारा सेट है इंडस की, जो मैं काफी टाइम से देख रही थी बट फाइनली मैंने उसे परचेज कर ली. इस तरीके से ये दिखती है, लाइक मैं आपको पहले दिखा दूँ. शरारा की कुर्ती है फ्रॉक स्टाइल वाली एंड राउंड नेक के साथ है ये. और यहाँ पे आती है वेस्ट पे आपको ये लेस जो होती है, जो ऊपर से एक लगाई हुई होती है वो है. और मैं बहुत ही क्लोजअप आपको दिखा दे रही हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ इस तरीके से. एंड नीचे प्लीट्स पूरी आती है तो घेर काफी है कुर्ती में एंड सेम ये डिटेलिंग नीचे भी आपको मिल रही है. इनर लाइनिंग के साथ है, सो पूरी कुर्ती में इनर लाइनिंग है, सी थ्रू का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. एंड ये इनर लाइनिंग की सैंडटोन मटेरियल है. कुर्ती का मटेरियल पॉली जॉर्जेट है, मटेरियल मुझे पसंद आई. स्लीवलेस कुर्ती है एंड इस पर अटैच कोई भी स्लीव भी कुर्ती पे नहीं दी हुई है. फेस की एक बटन आती है कुछ इस तरीके से एंड उसके साथ आती है ये ब्लैक कलर की शरारा. प्लास्टिक आपको दोनों तरफ यहाँ पे मिल रही है और शरारा यहाँ तक आपको प्लेन कपड़ा है और नीचे से जहाँ से कुर्ती खत्म होती है और ये शरारा दिखना स्टार्ट होती है, सो वहाँ से कुछ इस तरीके की डिटेलिंग आपको दिख रही है. मिरर वर्क वाली डिटेलिंग जो बनी हुई है और नीचे कुछ इस तरीके से है लाइक ये. सो देखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है बट
यहाँ तक आपको इनर लाइनिंग के साथ ये शरारा मिल रही है, सुसी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, शैंटून मटेरियल का सेम इनर लाइनिंग है। एंड यहाँ से ये जो शरारा है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इनर लाइनिंग इस पे नहीं दी हुई है, इतनी सी थ्रू है ये जिसपे कोई भी इनर लाइनिंग नहीं दी हुई है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर गई। मैंने ये शरारा सेट बहुत मन से मंगाया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी ये जब से मैंने इसे मिंत्रा के पेज पे देखी थी, बट 200% डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने मीडियम साइज ली है एंड इस शरारा को पहनने में मुझे बहुत मेहनत लगी। ये एरिया इतनी फिटेड है, आपको बहुत मेहनत लगने वाली है इसे ऊपर चढ़ाने में। साइड से एक जिप भी नहीं दी हुई है जिसे पहनने में इजी हो, सो बहुत मेहनत लगने वाली है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ये। सेम मटेरियल है पॉली जॉर्जेट इसका भी। एंड उसके साथ आती है ये नेट का दुपट्टा जिसपे सेम आपको चारों तरफ ये मिरर वर्क ही मिलेगी कुछ इस तरीके से। दुपट्टे की चौड़ाई इतनी है एंड लंबाई भी ठीक ठाक है, काफ़ी दुपट्टा ठीक है, बट जो शरारा सेट है उससे मुझे हाईली डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। मैं कपड़े आपको सजेस्ट करती हूँ ना 100% 200%, तो मैं इसे बोलूँगी 200% इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदे। और मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी इस शरारा सेट की रिव्यू करने की, तो सो आप टोटली बच गए उससे। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because my third item is this. एंड अगेन ये शरारा सूट मैंने मंगाया था, ये भी मैंने काफ़ी टाइम से मिंत्रा पे देखा था बट ये कभी स्टॉक पे नहीं होती। जैसे मुझे स्टॉक पे मिली मैंने इसे मंगा लिया, बट द डिसअपॉइंटमेंट इज कि इस पर कुर्ती है, दुपट्टा है एंड शरारा है, बट मिंत्रा ने मुझे सिर्फ ये कुर्ती भेजी है। और पहले मैं आपको ये कुर्ती दिखा देती हूँ, पिक मैं अटैच करूँगी तो आप देख ले कितना खूबसूरत कुर्ती सेट है ये। मलंगा बाई लाइफ स्टाइल की कुर्ती शरारा सेट है ये, पिंक कर दी है बट अब स्टॉक में भी नहीं है तो ये रिटर्न ही जाएगी, मुझे फिर ये शरारा सेट नहीं मिल पाएगी। सो कुछ इस तरीके की इसकी कुर्ती है, पूरी फॉइल प्रिंट्स बनी हुई है, राउंड नेक के साथ है एंड यहाँ से आपको प्लीट्स मिलती है। एंड अगेन फ्रॉक कुर्ती पे है, फ्रॉक पे ये शरारा है, ये जो है ये जरी का काम है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जरी है पूरे स्लीव्स पे, नेकलाइन पे ये पूरी जरी है एंड साइड पे ये जो है ये फॉइल प्रिंट्स बनी हुई है और पीछे भी सेम पूरी फॉइल प्रिंट्स इस तरीके से बनी हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ये लग रही है, अगर ये मुझे मिलती और मैं इसे पहनती तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली और ये रिटर्न जाएगी। अब मिंत्रा के साथ ये चीज़ें होती रहती है, बहुत मिसिंग प्रोडक्ट वो भेजते रहते हैं, बट आई सजेस्ट कि आपको जब भी मिंत्रा से कोई भी पैकेट मिले, चाहे वो 500 के भी क्यों ना हो, आप उसे कैमरे के सामने ओपन करें। मैं हमेशा कैमरे के सामने ओपन करती हूँ। मिंत्रा की कस्टमर सर्विस जो बहुत अच्छी है, बट सेफ्टी के लिए आप जरूर ये चीज करें जैसे मैं करती हूँ। सो माई लास्ट आइटम इज दिस मरून एंड ब्लैक मैक्सी ड्रेस। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसके, बहुत खूबसूरत डिजाइन है, राउंड नेक के साथ है एंड ये जो आप वर्क देख रहे हैं मरून पे ब्लैक, ये पूरी थ्रेड वर्क है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कैमरे पे इतनी शाइन कर रही है जो कि जस्टिस कर रही है, बहुत ही शाइनी मटेरियल, बहुत सुपर फाइन है। एंड यहाँ पे स्लीव्स थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, इस पर ये प्लीट्स बनी हुई है, फ्रंट पे 3 बटन्स के साथ ये टैसल लगी हुई है एंड नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे की इसकी जो डिज़ाइन है ब्लाउज की यहाँ तक फिटेड है एंड उसके बाद ये थोड़ी सी पेपलम काइंड ऑफ डिज़ाइन है जो बहुत गॉर्जियस लग रही है। उसके बाद यहाँ से आपको पूरी प्लीट्स मिल रही है कुछ इस तरीके से, जिसकी फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा फ्लोई है एंड फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, ऑसम फ्लेयर है। प्लीट्स है, उसके नीचे ये रफल्स बनी हुई है। बैक इसकी सेम है एंड जितनी ये शाइन कर रही है मटेरियल बिल्कुल उतनी ही गॉर्जियस है। इस पे मेरा साइज मीडियम है एंड ये ब्लाउज मरून वाली का मटेरियल सिल्क ब्लेंड है एंड नीचे ये जो बनी हुई है प्लीट्स इसका मटेरियल जॉर्जेट है जो एंड इनर लाइनिंग के साथ ही है, तो सी थ्रू का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सैंटून मटेरियल है इनर लाइनिंग की। इतनी खूबसूरत ये मैक्सी ड्रेस है, उतनी लुक भी इसकी बहुत डिफरेंट लग रही है। ब्लाउज ऐसा लगेगा जैसे आपने स्कर्ट पहना है एंड ऊपर से एक ब्लाउज पहना है एंड जो पेपलम डिजाइन दे दी है वेस्टर्न पे वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है, डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छी है, देखने में बहुत रॉयल लग रही है, मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगी।
I feel like I linger. Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइस.